हेलो फ्रेंड्स, किचन एसएस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं आलू का लच्छा परांठा, जिसको बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसे हर कोई बना सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आलू का लच्छा परांठा बनाना। इसके लिए मैंने ये आलू लिए हैं, इन्हें पिल कर लिया और पिल करने के बाद अब मैंने ग्रेट करूँगी। फ्रेंड्स, जब तक धोना है जब तक कि पानी इसका क्लीन ना हो जाए, और जैसे फिर इसे हम ड्रेन कर लेंगे, छान लेंगे। फ्रेंड्स, ये वाली मैं ढाई बॉल आटा लिया है, रेड चिली पाउडर, अजवाइन, धनिया पाउडर, इसमें फ्रेंड्स मैंने अजवाइन, जीरा, धनिया पाउडर और सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, टू स्पून ऑयल और अब हम करेंगे आलू को मिक्स। फ्रेंड्स, देखिए डो रेडी कर लिया हमने, अब ये पराठे बनाने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, हमने लोई बनाई है, अब इसे बेलेंगे। हम घी लगाएंगे क्योंकि ये पराठे घी के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब इसे फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और अब इसे बेल देंगे। फ्रेंड्स, जो पराठा है वो बेल लिया है और क्या गैस ऑन करके तवा गरम कर लिया था। फ्रेंड्स, अब दोनों तरफ से सिक जाएगा जब इस पर घी लगाएंगे। इसी तरह हमने दूसरा पराठा भी तैयार कर लिया बेल कर और अब हम घी लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पराठा है वो सिक के रेडी हो गया है। इस पराठे को आप चाय से, दही से, चटनी से, अचार से, सब्जी से, किसी से भी खा सकते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, ये पराठा, लच्छा पराठा हम अचार से और रायते से सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे चाय से, सब्जी से भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको लच्छा पराठे की रेसिपी, प्लीज़ बताएँ। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।